दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के बड़े खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर, बिहार ने टीकाकरण में बनाया नया कीर्तिमान। एक दिन में 22.5 लाख से अधिक लोगों को लगी वैक्सीन, 9 लाख से अधिक का पिछला रिकॉर्ड टूटा। जी हां, बिहार में कोरोना टीकाकरण महाअभियान के तहत मंगलवार को एक दिन में कोरोना टीकाकरण के अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। मंगलवार को 22.5 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। सीएम नीतीश ने खुद देर रात ट्वीट करके इस संबंध में जानकारी दी है। सीएम नीतीश ने ट्वीट करके लिखा कि राज्य में 6 करोड़ 6 माह टीकाकरण अभियान की शुरुआत 21 जून 2021 को की गई थी। इसके अंतर्गत जुलाई एवं अगस्त में कोविड वैक्सीन की 2 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी है। 31 अगस्त को चलाए गए टीकाकरण महाअभियान में 10,000 से अधिक टीकाकरण केंद्र चालू कर रिकॉर्ड 22.5 लाख से भी अधिक लाभार्थियों का टीकाकरण किया गया। सभी को धन्यवाद। बड़ी खबर, अब घर के बाहर नहीं दिया जाएगा नल का कनेक्शन। जी हां, नगर निगम क्षेत्र में पानी की बर्बादी को रोकने के लिए नगर आयुक्त ने सभी पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि पटना नगर निगम की जलापूर्ति योजनाओं से संबंधित सभी कनेक्शन घर के अंदर ही देना होगा। घर के बाहर अथवा अन्य इस्तेमाल के लिए कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। जिन लोगों ने पहले से जलापूर्ति के लिए बोरिंग करा रखी है उन्हें भी नल का कनेक्शन घर के अंदर ही मिलेगा, बाहर नहीं। नगर आयुक्त को अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां लोग घर के अंदर बोरिंग करवा रहे हैं और घर के बाहर नगर निगम की सुविधाएं भी ले रहे हैं। मंगलवार को मेयर सीता साहू व नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर, बिहार में पिछले 24 घंटे में सिर्फ 5 जिलों में मिले कोरोना के 8 नए मरीज। जी हां, बिहार में कोरोना के 8 नए मरीज मंगलवार को मिले हैं। 5 जिलों में ये सभी मरीज मिले हैं। सबसे अधिक 3 नए मरीज भोजपुर में मिले हैं, किशनगंज में 2 नए मरीज मिले हैं, दरभंगा पटना व समस्तीपुर में 1-1 नए मरीज मिले हैं, बाकी जिले खाली हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 1,48,989 सैंपल की जांच की गई। कोरोना से 14 नए मरीज ठीक भी हुए हैं। सोमवार को राज्य में 6 नए कोरोना मरीज मिले थे। अगली बड़ी खबर, पटना जंक्शन पर बनेगा देश का पहला असेंबली एरिया, बैठ सकेंगे 500 रेल यात्री। जी हां, रेलवे की ओर से पटना जंक्शन पर देश का पहला असेंबली एरिया यानी आयात शरण स्थल बनेगा। जंक्शन के महावीर मंदिर छोर और करबकिया छोर पर असेंबली एरिया बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। असेंबली एरिया सब मीटिंग प्वाइंट की जगह का इस्तेमाल आपात स्थिति में किया जाएगा। भूकंप, आग लगी, भगदड़ या दूसरे आपदा के हालात में रेलवे यात्रियों को यहाँ शिफ्ट किया जाएगा। भारतीय रेल अपनी तरह के यह पहला प्रयोग होगा। बिहार में बिजली बिल का जाम, 2 महीने का बिल अब एक साथ आएगा। जी हां, बिहार में बिजली कंपनी के RAPDRP सर्वर में आई खराब के बाद अब तक उपभोक्ताओं की परेशानी पूरी तरह से दूर नहीं की जा सकी है। बिजली बिल को लेकर उपभोक्ता अभी भी परेशान है, लेकिन अब बिजली कंपनी की तरफ से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक पटना समेत राज्य के 64 शहरों में रहने वाले 18 लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं की ऑन स्पॉट बिलिंग एक बार फिर से शुरू होगी। बिजली कंपनी से मिली जानकारी के मुताबिक उपभोक्ताओं को 2 महीने का बिल अब एक साथ भेजेगा। इसके लिए सर्वर में आई खराबी को बड़ा कारण माना जा रहा है। 35 दिन बाद बिलिंग की शुरुआत होने जा रही है। जुलाई महीने में उपभोक्ताओं की बिलिंग की गई थी। अगस्त में बिलिंग का काम पूरी तरह से सर्वर बंद होने के कारण ठप था। बिजली कंपनी 2 महीने में होने वाली खबर को 2 हिस्से में बांटकर बिलिंग करेगी। बड़ी खबर, जमीन खरीद बिक्री के लिए नीतीश सरकार एक और बड़े फैसले की तैयारी में। सरकारी वेबसाइट के जरिए खरीद या बेच पाएंगे। जी हां, राज्य में अमीन से जुड़े मामले को लेकर नीतीश सरकार लगातार सुधारात्मक कदम उठा रही है। सरकार ने हाल ही में कई बड़े फैसले किए हैं और अब एक बड़े कदम की तैयारी है। प्रदेश के अंदर जल्द ही सरकारी वेबसाइट के सहारे जमीन की खरीद बिक्री हो सकेगी। किसी व्यक्ति को अगर अपनी जमीन बेचनी है तो उसका ब्यौरा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर देना होगा। खरीदार भी लोकेशन के आधार पर जमीन की जरूरत के बारे में पोर्टल पर बताएंगे। इस तरह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर खरीद और बिक्री दोनों की जा सकेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर चुका है। नीतिगत सहमति के बाद इसके लिए पोर्टल की शुरुआत कर दी जाएगी।
बड़ी खबर, बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए गुड न्यूज, सरकार ने दो दिनों में बकाया वेतन देने का दिया आदेश। जी हाँ, बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। बिहार सरकार के फैसले के बाद दो दिनों में नियोजित शिक्षकों की बकाया सैलरी का भुगतान हो जाएगा। राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अंतर्गत कार्यरत प्रारंभिक शिक्षकों को जून और जुलाई का एक मुश्त वेतन भुगतान करने का आदेश सूबे के सभी जिलों को दिया है। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से मंगलवार को 1648,84,19,430 रुपए सभी जिलों को जारी कर दिया गया है, जिसके बाद अब दो दिन के भीतर शिक्षकों को दो महीने की बकाया सैलरी का भुगतान हो जाएगा। बड़ी खबर, लालू यादव की बिहार में जल्द होगी एंट्री, पटना आने की हो रही है तैयारी, तेजस्वी ने कर दी है पुष्टि। जेल से रिहा होने के बावजूद दिल्ली में रह रहे लालू प्रसाद यादव की अब जल्द ही बिहार में एंट्री होगी। लालू के पटना आगमन की तैयारी हो रही है। तेजस्वी यादव ने लालू यादव के जल्द ही पटना आने की पुष्टि कर दी है। दिल्ली से कल पटना पहुंचे तेजस्वी प्रसाद यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लालू जी की तबीयत पहले से ठीक है, उनकी सेहत में सुधार हो रहा है धीरे धीरे। आप लोगों ने देखा ही होगा कि कल जन्माष्टमी था, दिल्ली में हमारी जो बहन रहती है उनके यहाँ मनाया गया था, तो वहाँ लालू जी गए थे। मुझे लगता है कि वे जल्द से जल्द बिहार आएंगे। वहीं लालू यादव के नजदीक लोग बता रहे हैं कि उनके पटना आने की तैयारी की जा रही है। बड़ी खबर, जमीन विवाद कम करने के लिए नीतीश सरकार का एक और बड़ा कदम, अब यूनिक कोड सिस्टम लागू होगा। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार यह कहते रहे हैं कि आपराधिक मामलों के पीछे जमीन विवाद एक बड़ी वजह रहा है। राज्य सरकार ने इसी दिशा में काम करते हुए जमीन विवाद के मामले को कम करने के मकसद से कई बड़े फैसले किए हैं। अब नीतीश सरकार एक और नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। बिहार में जमीन से जुड़े हर मुकदमे का अब एक अलग यूनिक कोड करने का सिस्टम होगा। यह कोड विवाद की गंभीरता को इंगित करेगा। इसी के साथ ही सभी विवादों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 11 श्रेणियों में बांटने का फैसला किया है। किसी भी स्तर के कोर्ट के फैसले को तुरंत लागू किया जाएगा। इसके मॉनिटरिंग के लिए गृह विभाग एक सॉफ्टवेयर विकसित करेगा। अगली बड़ी खबर, बिहार बोर्ड ने फिर बढ़ाई इंटर में एडमिशन की तारीख, देखिए कब तक ले सकते हैं नामांकन। जी हाँ, बिहार बोर्ड ने प्लस टू स्कूल और कॉलेज में इंटर में एडमिशन के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आधार पर एडमिशन की तिथि बढ़ा दी गई है। अब फर्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल स्टूडेंट 4 सितंबर तक एडमिशन करवा सकते हैं। इससे पहले एडमिशन की अंतिम तिथि 31 अगस्त थी। और अंत की बड़ी खबर, आम आदमी को एक और झटका, पटना में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी। जी हां, अनलॉक 6 जारी होने के बाद आम लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा है। राजधानी पटना में सीएनजी और पीएनजी का रेट महंगा हो गया है। गैस कंपनी का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतें बढ़ने की वजह से उसे रेट बढ़ाना पड़ा है। गेल ने बताया कि पटना में अब सीएनजी के दाम 1 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ गया है। इस बढ़ोतरी के बाद अब सीएनजी 62.90 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट पर मिलेगी। इसके अलावा पीएनजी का रेट 50 पैसे बढ़ाया गया है, जिसके बाद अब पीएनजी 31.1 रुपये प्रति एससीएम के दर पर मिलेगी। पटना में सीएनजी और पीएनजी की कीमत 6 माह बढ़ी है। वहीं पटना में पेट्रोल और डीजल के दामों में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। पटना में मंगलवार को पेट्रोल 103.99 रुपये और डीजल 94.75 रुपये प्रति लीटर रहा।